सर वॉल्यूम और मास में भी चेंज। तो आपका वॉल्यूम सर उसमें क्या कांस्टेंट रहता है सर? टेम्परेचर और कुछ इसकी स्पेशलिटी बताओ क्या रहता है सर? हाँ, ये स्लो प्रोसेस रहता है। कैसा रहता है सर? स्लो प्रोसेस, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, इसमें क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, अगर इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ऐसा, तो आप सर इसका दो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन सा सर? एक ऐसा और एक ऐसा। इसमें एक में एरो ऐसा रहता है और एक में ऐसा रहता है, ठीक है। तो जब ये वाला ऐसा रहता है, इसको एक्सपेंड बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? एक्सपेंड। और ये वाला एरो रहता है, इसका बोलते हैं कंप्रेशन बोलते सर। कंप्रेशन कब होगा? जब कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या होगा सर? कूलिंग प्रोवाइड, दैट मीन्स टेम्परेचर क्यों क्या होगी? कम। किसी चीज़ को ठंडा करना है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। अगर एक्सपेंड करना है तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हीटिंग देना पड़ेगा। हीटिंग है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। सर ये तो मेरे को समझ आ रहा है। दूसरा सर, आपने ना इसमें आइसोथर्मल में तो वो भी लगाया था सर, ग्राफ भी चाहिए था। हाँ, अब मेरे लिए याद आ रहा है। हाँ, ये इसका मान लो टेम्परेचर T3 है और इसका क्या है? T2। और इसका क्या है? तो हमेशा इसका जो ऑर्डर होता है ना, वो कैसा रहता है? टॉप वाले का हाईएस्ट रहता है। अगर मान लो इसका कितना 300 और इसका 250 के और इसका, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसका? आइसोथर्मल और आइसोबैरिक का, ठीक है। उसके बाद एक था आइसोचोरिक और आइसोमेट्रिक। इसकी स्पेशलिटी बताओ, इसमें क्या कांस्टेंट होता है सर? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट। और कुछ स्पेशलिटी है इसमें? हाँ, इसके केस में अगर आइसोमेट्रिक या आइसोचोरिक प्रोसेस है, तो इसमें जो वर्क डन होता है ना, दैट मीन्स W इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? जीरो। जीरो होता है किसमें? आइसोमेट्रिक। इसके केस में वर्क डन क्या होता है? जीरो, ठीक है। एडियाबेटिक बताओ, इसमें क्या होता है? हाँ, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हाँ, इसका बॉइलिंग ऑफ वाटर इसमें भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। मर्कडन में भी होता था, जीरो पैसा होगा। देखो एडियाबेटिक ये कंप्लीट करने के बाद लिखा था। एडियाबेटिक का बताओ कुछ स्पेशलिटी इसका? ये तो आपको पता है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इसमें एडियाबेटिक। ये तो सर मेरे को समझ आया, लेकिन स्पेशलिटी कुछ पता है आपको? अरे पता है, मैं आपको ये नहीं बताया कि अगर आपके पास दो प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल, तो एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर। मोर स्टीपर नहीं लिखा है तो क्या बोलेंगे? ये मोर स्टीपर होता है, मोर स्टीपर। मोर स्टीपर मतलब ज़्यादा गहरा। जैसे अगर आपको दो ग्राफ दिए हैं, है ना, एक ग्राफ ऐसा है और ऐसा बना हुआ, ये लो ऐसा, है ना, दो ग्राफ और एक ग्राफ ऐसा ऐसा, तो ऊपर से देखेंगे तो कौन सा ज़्यादा स्टीपर दिख रहा है? ये वाला। अरे ये वाला दिख रहा है, तो ये जो सेकंड वाला है ना, उसको बोलेंगे सर एडियाबेटिक। और ये वाला, समझा, उसका जस्ट अपोजिट था। अगर उसका डायरेक्शन देखो ऐसा था, अगर मैं डायरेक्शन ऐसा कर दूं तो इसका